महकुमा बल्दिया हुकूमत और अवाम की जानिब से मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे, सभी पुराने शहर के काम जैसे सड़क के काम, मेन होल, नाले के काम कई ज़ेर-ए-इल्तवा कामों में संजीदा नहीं नज़र आते हैं और हमेशा पुराने शहर के इलाकों में इन कामों की अंजामदही में कोताही बढ़ती जाती है। कोई छोटा सा भी काम क्यों ना हो, उसे साल भर से पहले तो अंजाम नहीं दिया जाता है। महकुमा बल्दिया जो मशहूर है कि खाया पिया चल दिया, इसका अमला तो पुराने शहर में नज़र ही नहीं आता, चाहे वो कचरे की निकासी हो या फिर सड़क या फिर मोहरियों का पानी हो, अवामी मसाइल तो नज़रअंदाज किए जाते हैं। ऐसा ही एक मसला शहर की सबसे कदीम और तारीखी मंडी मीरालम मंडी, जिसमें शहर और अजला से भी लोग आया करते हैं। यहाँ भी कई अवामी मसाइल ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। मीरालम मंडी इलाके में ड्रेनेज का पानी सड़क पर बह रहा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ के काम के लिए मुतद्दिद मरतबा नुमाइंदगी की गई, लेकिन काम अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल मुकर्रम ने यहाँ के अफराद से खास गुफ्तगू की है, चलिए सुनते हैं। ये ड्रेनेज प्लान है जी, पिछले 2 साल से बोल रहे जी, कारपेंटर साहब को भी डाले जी, एसएच डाले कारपेंटर साहब। ये कौन सा डिवीजन लगता है इसको? ये मीरालम मंडी है साहब, ये कामिना डिवीजन लगता है। सोहेल कादरी साहब कारपेंटर साहब है जी, इससे पहले भी आके देखे, ये लाइन जो है यहाँ मिलाने का है जी, एक 4 पाइप डालने का है जी, पहले तो बड़ा लाइन में मिल जाता जी, ये सॉल्व हो जाता है, तो पूरा गली को प्रॉब्लम है। अभी तो लेडीज भी नहीं आ सकते इधर से, अभी लेडीज आने का है तो लेडीज गोद में उठा के आने का, बच्चों को जाने के लिए कई बार लोग भी गिर गए इधर से, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया नहीं लिया।